बेगूसराय के मोहनपुर में शुक्रवार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का 7 दिवसीय आध्यात्मिक रहस्य कार्यक्रम शुरू हो गया। मोहनपुर ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बहन बी के कंचन मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार जी, बेगूसराय नगर निगम के वर्तमान महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह, सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह धनको आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कथा के प्रथम दिन बी के कंचन ने जीवन में ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस संसार में वर्तमान समय में अज्ञानता का अंधकार व्याप्त है। इस वजह से हर व्यक्ति के जीवन में आज तक अशांति चिंता व्याप्त है। ऐसे परिवेश में आध्यात्मिक ज्ञान ही मानव की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाएंगे। अंतर्जगत मानवीय मूल्यों का केंद्र है जिसकी तलाश व्यक्ति बाहर कर रहा है। भागवत के महात्म्य की कथा दर्शाते हुए कंचन बहन ने कहा कि जिस आत्मदेव का वर्णन भागवत कथा में किया गया, वास्तव में हम सभी आत्माओं में वह दैवी गुण व्याप्त है। हमारा संपर्क जब धुंधली बुद्धि के साथ होता है तभी धुंधकारी जैसे कर्म हमारे द्वारा होते हैं। ऐसे कर्म वर्तमान में भी मनुष्यों को डकी करते और भविष्य की यात्रा में भटकाव पैदा करते हैं। अर्थात परमात्मा का ज्ञान ही वह संजीवनी बूटी है जो हमें नई जागृति देता है। बेगूसराय से संजय मेहता की रिपोर्ट। गुच्छ के माध्यम से आदरणीय रजनीश जी का सम्मान करेंगे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 तारीख से 9/11 से 15/11 तक हो रहा है। इस भागवत महायज्ञ में ज्ञान की गंगा का प्रवाह हो रहा है। हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गों और सभी नौजवान साथी इसमें आकर के ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं कंचन दीदी, उनके मुख से जो ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है उससे पूरे सनातन धर्म को, पूरी मानव जाति को, सबको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। अगर 100 जन्म का भी अगर कोई पाप हो और आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो आपको उस पाप से मुक्ति हो जाएगी और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कथा में सनातन में कहा जा रहा है। और यह कथा बहुत ही अच्छे ढंग से मोहनपुर ठाकुरबाड़ी में हो रहा है। हम सभी लोग मिल करके इस उत्सव को कर रहे हैं, मना रहे हैं और हम आह्वान करते हैं जिले के और भी हमारे माता बहनें बुजुर्ग हैं, तमाम श्रद्धालु जो भागवत प्रेमी हैं वो आए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके पुण्य का भागी बने। कितने दिन का है सर? 7 दिन का श्रीमद् भागवत। इसका समापन कब तक है? 15 तारीख को। जिस दिन से सर इसका आयोजन किया है तो मोहनपुर की धरती में लोगों के बीच कैसा माहौल बना है सर? बहुत ही सुंदर माहौल है। अगर लोग यहाँ से स्वर्ग कल्पना करते हैं, स्वर्ग की कल्पना, तो वो पंडाल में जाने के बाद लगता है कि सही में ये राधा रानी का ये यहाँ रास चल रहा है, उत्सव चल रहा है। आज उनका श्रीमद् भगवान का जो है सो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आप गए होंगे पंडाल में, देखे होंगे, कल भी आप आए थे और देखे थे। जो लोग आ रहे हैं उनको लग रहा है कि दूसरी दुनिया में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ से ऊर्जा निकलती है। हम सभी लोग काफ़ी ऊर्जान्वित होते हैं और उससे हमारी युवा पीढ़ी को भी काफ़ी सीख मिलता है, वो तेजस्वी होंगे और इससे हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं सबको इससे काफ़ी लाभ और फायदा होगा। सर कहाँ तक के लोग अभी तक श्रद्धालु लोग यहाँ तक आए हैं आस पड़ोस के गांव में? आस पड़ोस के लगभग 10 पंचायत से लोग तो ज़्यादा संख्या में आ ही रहे हैं और ज़िले के कोने कोने से तमाम उस तरह के जो श्रद्धालु हैं, सम्मानित लोग हैं, सब आ रहे हैं। हम उनको आरती में सबको शामिल कर रहे हैं और सब लोगों का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। जो श्रद्धालु आज हमारे चैनल से आपको सुन रहे हैं।